हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कंपैरिजन बाय अंकुश। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर तुषार कपूर के बारे में। तो तुषार कपूर के सभी फिल्मों के नाम, रिलीज डेट, बजट, कलेक्शन एंड वर्डिट के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो पर लास्ट तक रहेगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा लीजिए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन की बात किया है तो मूवी आया था जिसका नाम था मुझे कुछ कहना है। यह मूवी 2001 में आया था। बजट की बात करें तो 7 करोड़ रुपए था एंड कलेक्शन 30 करोड़ के करके बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट का टैग लिया। तो पहला मूवी सुपर हिट रहा। बात करते हैं दो नंबर पर तो मूवी आता है क्या दिल ने कहा, और ये मूवी 2002 में आता है। बजट रहता है इसका 6 करोड़ और कलेक्शन करता है 5 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी फ्लॉप का टैग लेता है। बात करें तीन नंबर पर तो मूवी आता है जिसका नाम रहता है जीना सिर्फ मेरे लिए, और ये मूवी भी 2002 में ही आता है। बजट की बात करें तो इसका बजट रहता है 8 करोड़ और कमाई की बात करें तो ये 7 करोड़ कमा के ये भी मूवी फ्लॉप हो जाता है। तो अब आगे बात करते हैं चार नंबर पर तो तुषार कपूर का मूवी आता है जिसका नाम रहता है कुछ तो है, और ये मूवी आता है 2003 में। बजट रहता है इसका 7 करोड़, कमाई की बात करें तो ये मूवी 7 करोड़ कमाता है और फिर भी ये मूवी फ्लॉप हो जाता है। तो आगे देखते हैं पाँच नंबर पर तो मूवी आता है जिसका मूवी का नाम रहता है ये दिल, और ये मूवी आता है 2003 में ही। बजट रहता है इसका 4 करोड़ और कमाई की बात करें तो यह मूवी मात्र 3 करोड़ कमा के ये भी फ्लॉप हो जाता है। तो चार मूवी एक साथ फ्लॉप दे रहे हैं तुषार कपूर, आप लोग देख सकते हैं। तो यार फ्लॉप काफ़ी ज़्यादा तुषार कपूर दिए हैं। तो आगे बात करते हैं छः नंबर पर तो मूवी आता है जिसका नाम रहता है खाके, और ये मूवी आता है खाकी मूवी 2004 में आता है। बजट की बात करें तो 26 करोड़ होता है, कलेक्शन की बात करें तो 46 करोड़ होता है और बॉक्स ऑफिस पर एवरेज का टैग लेता है। अब खाकी के बाद आता है 7 नंबर पर गायब, और ये मूवी आता है 2004 में ही। बजट की बात करें तो इसका रहता है 6 करोड़ और कमाई की बात करें तो ये मूवी 11 करोड़ कमाता है और बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी भी एवरेज का टैग लेता है। अब बात करते हैं 8 नंबर पर तो मूवी आता है जिसका कि नाम रहता है शर्त, और ये मूवी आता है 2004 में ही। बजट की बात करते इसका 4 करोड़ रहता है, कमाई की बात करते 84 लाख मात्र कमाता है और फ्लॉप हो जाता है। तो अब आगे देखते हैं 9 नंबर पर तो मूवी आता है जिसका कि नाम रहता है इंसान, और ये मूवी आता है 2005 में। बजट की बात करें तो 13 करोड़ रहता है और कमाई की बात करें तो मात्र 7 करोड़ कमाता है और फ्लॉप हो जाता है बॉक्स ऑफिस पर। तो आगे देखते हैं 10 नंबर पर क्या करते हैं तुषार कपूर। तो 10 नंबर पर मूवी आता है क्या कूल हैं हम, और ये मूवी काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी था। बात करें तो 2005 में आया और 5 करोड़ की बजट से बना, लेकिन कमाई किया 23 करोड़ रुपया और बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग लिया। तो ये मूवी आप लोग जाके देख सकते हैं क्या कूल हैं हम, कॉमेडी से भरा हुआ। बात करें 11 नंबर पर तो मूवी आता है जिसका नाम रहता है गोलमाल, और ये मूवी तो पूछो ही मत यार, 2006 में आता है। बजट रहता है इसका 15 करोड़ और कमाई करता है 46 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी हिट का टैग लेता है। तो गोल मूवी अच्छा मूवी है, आप लोग गोलमाल जाके देख सकते हैं। बात करें 12 नंबर पर तो मूवी आता है क्या लव स्टोरी है, और ये मूवी आता है 2007 में। बजट की बात करें तो 7 करोड़ रहता है, कमाई की बात करें तो मात्र 3 करोड़ कमा के ये भी फ्लॉप जाता है। तो अब आगे देखते हैं 13 नंबर पर तो मूवी आता है जिसका कि नाम रहता है गुड बॉय बैड बॉय, और ये मूवी आता है 2007 में। बजट की बात करें तो 13 करोड़ रुपया रहता है बजट इसका एंड 8 करोड़ कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होता है। तो आगे देखते हैं तुषार कपूर का कैसा क्या रहता है। तो 14 नंबर की अगर बात करें तो फिल्म आता है शूट आउट एट लखंडवाला, और ये मूवी आता है 2007 में ही। बात करें इसका बजट की तो 18 करोड़ रुपया, और कमाई की बात करें तो 46 करोड़ कमा के बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग लेता है। तब आगे बात करेंगे 15 नंबर पर तो मूवी आता है जिस मूवी का नाम रहता है अगर, और ये मूवी आता है 2007 में। बजट की बात करें तो इसका 7 करोड़ है एंड कमाई की बात करें तो 1 करोड़ है। तो यार 1 करोड़ कमाई करेगा तो कोई फ्लॉप हो जाएगा 7 करोड़ लगा के। तो चलिए आगे देखते हैं तुषार कपूर का कैसा करियर रहता है और क्या कर पाते हैं तुषार कपूर, धमाल मचाते हैं या फिर फ्लॉप ही देना है। तो 16 नंबर की अगर बात करें तो मूवी आता है ढोल, और मूवी की बात करें तो 2007 में आया था। बजट की बात करें तो 14 करोड़ रुपया, वहीं पे कमाई की बात करें तो 23 करोड़ है और बॉक्स ऑफिस पर एवरेज का टैग लेता है। अब बात करते हैं 17 नंबर पर कौन सा मूवी आता है तो मूवी का नाम रहता है संडे, और ये मूवी आता है 2008 में। बजट की बात करें तो इसका रहता है 22 करोड़ एंड कमाई करता है यह मूवी 20 करोड़ का और फ्लॉप हो जाता है बॉक्स ऑफिस पर। तो आगे देखते हैं 18 नंबर पर मूवी आता है जिस मूवी का तुषार कपूर का मूवी का नाम रहता है 1-2-3, तो ये मूवी आता है 2008 में। बजट की बात करें तो 14 करोड़ रहता है एंड कलेक्शन की बात करें तो 27 करोड़ रुपए कमा के ये मूवी एवरेज का टैग लेता है। तो आगे देखते हैं 19 नंबर पर तो मूवी आता है जिसका कि नाम रहता है सी के कंपनी, और ये मूवी आता है 2008 में। बजट की बात करें तो 10 करोड़ रुपए रहता है, कमाई की अगर बात करें तो 4 करोड़ रहता है एंड वहीं पे फ्लॉप हो जाता है। तो अब बात करते हैं 20 नंबर पर तो मूवी आता है जिस मूवी का नाम रहता है गोलमाल रिटर्न्स, और ये सीरीज गोलमाल का चलता ही रहता है। तो 2008 में आता है ये मूवी। बजट की बात करें तो 35 करोड़ और कमाई अच्छा करता है 80 करोड़ का, बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग लेता है। तो गोलमाल सीरीज अच्छा जा रहा है तुषार कपूर का। बात करें वहीं पे 21 नंबर पर तो मूवी आता है लाइफ पार्टनर, और ये मूवी आता है 2009 में। बजट की बात करें तो इस मूवी का 25 करोड़ रुपये रहता, वहीं पर कमाई की बात करें तो 21 करोड़ कमा के फ्लॉप होता है।
अब बात करते हैं 22 नंबर पर, तो मूवी आता है तुषार कपूर का जिसका नाम रहता गोलमाल 3। तो गोलमाल सीरीज चलता ही रहता है। 2010 में आता है ये मूवी, 50 करोड़ के बजट से बन के कमाई 170 करोड़ कमाता जो काफ़ी अच्छा और ब्लॉकबस्टर मूवी हो जाता है। तो तुषार कपूर ब्लॉकबस्टर भी दिए हैं, यही नहीं कि सिर्फ फ्लॉप ही दिए हैं, ब्लॉकबस्टर भी दिए हैं। तो बात करते हैं 23 नंबर पर, तो मूवी आता है शोर इन दी सिटी और ये मूवी आता है 2011 में। बजट की बात करें तो 8 करोड़ रुपये रहता, वहीं पर कमाई की बात करें तो 5 करोड़ रहता एंड फ्लॉप हो जाता है ये मूवी भी। तो तुषार कपूर का 24 नंबर पर मूवी आता है जिसका नाम रहता लव यू मिस्टर कलाकार और ये मूवी आता है 2011 में ही। बजट की बात करें तो 12 करोड़ रहता एंड कमाई की बात करें तो ये मूवी मात्र 2 करोड़ कमाता और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाता। तो तुषार कपूर काफ़ी ज़्यादा फिल्म किए हैं। तो 25 नंबर पर मूवी आता है जिसका नाम रहता हम तुम शबाना और ये मूवी 2011 में आता, बजट की बात करें तो 12 करोड़ रहता एंड कमाई की बात करें तो मात्र 2 करोड़ कमाता और ये मूवी भी फ्लॉप हो जाता। तो यार इतना मूवी कर दिए तुषार कपूर कि लिखते लिखते हाथ दर्द कर गया था और बोलते बोलते अभी मुंह दर्द कर गया। तो बात करते हैं 26 नंबर पर, तो मूवी आता है जिस मूवी का नाम रहता है दी डर्टी पिक्चर और ये मूवी 2011 में आता है। बजट की बात करें तो 25 करोड़ रुपए रहता, कमाई की बात करें तो 117 करोड़ कमा के सुपर हिट का टैग लेता। उसके बाद तो 27 नंबर पर मूवी आता है जिसका नाम रहता है 4 दिन की चांदनी और ये मूवी 2012 में आता है। बजट की अगर इसका बात करें तो इस मूवी का बजट रहता है 12 करोड़ रुपया और कमाई की बात करें तो मात्र 6 करोड़ कमा के ये भी मूवी फ्लॉप जाता है। तो आगे देखते हैं 28 नंबर पर मूवी आता है जिस मूवी का नाम रहता है क्या सुपर कूल है हम और ये मूवी कॉमेडी से भरा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। 2012 में आया था ये मूवी, 19 करोड़ के बजट से बनके मूवी 60 करोड़ रुपया कमाया और ये मूवी हिट का टैग लिया बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करें 29 नंबर पर, तो मूवी आता है जिसका नाम रहता है शूट आउट एट बदाला और ये मूवी आता है 2013 में। बजट की बात करें तो 49 करोड़ था, कलेक्शन की बात करें तो 83 करोड़ रुपये कमाया ये मूवी और बॉक्स ऑफिस पर एवरेज का टैग लिया। तो बात करें 30 नंबर पर, तो मूवी आता है जिस मूवी का नाम रहता बजाते रहो और ये मूवी आता है 2013 में। बजट की बात करें तो 15 करोड़ रहता एंड कमाई की बात करें तो मात्र 9 करोड़ कमा के फ्लॉप जाता है ये मूवी। तो यार काफ़ी ज़्यादा मूवी किए हैं तुषार कपूर, बॉलीवुड में इतना मूवी करना कम बड़ी बात नहीं है। तो बात करते हैं 31 नंबर पर, तो मूवी आता है क्या कूल है हम 3, तो ये मूवी भी कॉमेडी से भरा हुआ, आप लोग जाके देखिए। 2016 में आता है ये मूवी, बजट की बात करें तो 26 करोड़ रहता है, कमाई करता है 33 करोड़ और फिर भी फ्लॉप हो जाता है, लेकिन आप लोग जाके देख सकते हैं ये मूवी। 32 नंबर पर मूवी आता है जिसका नाम रहता है मस्ती ज्यादा और ये सब मूवी कॉमेडी से भरा हुआ है। 2016 में आता है 30 करोड़ के बजट से बनकर ये मूवी 39 करोड़ कमाता है और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप का टैग लेता है यार। अब बात करते हैं 33 नंबर पर, तो मूवी आता है जिसका नाम रहता है गोलमाल अगेन और ये सीरीज चलता ही रहता है। तो 2017 में आता है, बजट की बात करें तो 70 करोड़ और कमाई की बात करें तो 300 करोड़ जो कि काफ़ी अच्छा कमाई है एंड ब्लॉकबस्टर तो इस मूवी का होना ही है क्योंकि 300 करोड़ कमाया। तो गोलमाल सीरीज तुषार कपूर का काफ़ी अच्छा चल रहा है, गोलमाल 5 भी आने वाला है तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। बात करें 34 नंबर पर, तो मूवी आता है वो सबकी फटेगी और ये मूवी 2019 में आया था। बजट की बात करें तो ये मूवी वेब सीरीज है, मूवी नहीं है एंड कलेक्शन की बात करें तो ये OTT पर रिलीज हुआ है और इसको शायद ALT मतलब कि अल्ट बालाजी पर रिलीज किया गया एंड वर्डिक्ट की बात करें तो नॉट अवेलेबल है। तो इसके बाद लॉकडाउन लग गया तो तुषार कपूर अभी तक फिल्म किए नहीं है। गोलमाल 5 आने वाला तो उसमें तुषार कपूर शायद रहेंगे। तो बात करते हैं तुषार कपूर का समरी का कि कितना मूवी फ्लॉप दिए और कितना हिट, तो चलिए देख लेते हैं। फ्लॉप मूवीज की बात किया तो 19 दिए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा होता, वहीं पर एवरेज मूवीज का बात किया तो 5 दिए हैं, वहीं पर हिट मूवीज का अगर बात किया तो तुषार कपूर का 5 मूवी हिट रहा, वहीं पर सुपर हिट मूवीज का बात किया तुषार कपूर का सुपर हिट मूवीज 2 रहा, वहीं पर ब्लॉकबस्टर मूवीज का बात किया तो तुषार कपूर का ब्लॉकबस्टर मूवीज भी 2 रहा। तब बात करते हैं तुषार कपूर का ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज कितना रहेगा एंड सक्सेस रेशियो कितना रहेगा एंड अपकमिंग मूवी के बारे में भी इसी में बात करेंगे। तो बात करते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज का, तो 0 दिए हैं तुषार कपूर, वहीं पर सक्सेस रेशियो का अगर बात करें जो कि किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो 42% है। अच्छा या खराब आप लोग कमेंट बताइए, आप ही लोग डिसाइड कर सकते हैं। पब्लिक भगवान होता है, मतलब कि जनता भगवान होता है, सब लोग यही बोलते हैं। अपकमिंग मूवी की बात करें तो 1 नंबर पर मरीच और वहीं पर 2 नंबर पर गोलमाल 5, जो कि गोलमाल आने वाला है मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था। तो गोलमाल सीरीज तुषार कपूर के लिए काफ़ी अच्छा चल रहा, तो आप लोग क्या कमेंट बताइए, आप लोग का फेवरेट मूवी कौन सा है तुषार कपूर का, मूवी का नाम बताइए एंड वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है तो 1 लाइक दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, आप लोग करते ही नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।